आज की वीडियो में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू बहुत अहम है, बहुत दिलचस्प है और ख़ासकर लिसानियात या लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग लिसानियात में या लिंग्विस्टिक में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बहुत दिलचस्प और बहुत अहम मौजू है। और ये मौजू जो है ये ज़बान, बोली और लहजे के बारे में है। यानी आज की वीडियो में हम ज़बान, बोली और लहजे पर बात करेंगे। ज़बान से क्या मुराद है और बोली से क्या मुराद है और लहजे से क्या मुराद है और बोली और लहजे किस तरह बनते हैं। आमतौर पर आप सुनते रहते हैं कि फ़लाँ ज़बान की बोलियां और फ़लाँ ज़बान के लहजे। तो हर ज़बान जो होती है उसमें कई बोलियां होती हैं और कई लहजे होते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि ये फ़लाँ शहर की बोली है और ये फ़लाँ इलाके की बोली है, या फिर ये कहा जाता है कि ये फ़लाँ शहर का लहजा है और ये फ़लाँ इलाके का लहजा है। तो लहजा क्या है और बोली क्या है और लहजे किस तरह बनते हैं और बोलियां किस तरह बनती हैं। तो लहजे और बोली पर बात करने से पहले हम ज़बान पर बात करते हैं। सबसे पहले हम ज़बान की तारीफ देखते हैं कि ज़बान जो है उसकी क्या तारीफ है। तो ये आप देखें कि ज़बान की एक बिल्कुल मुख्तसर और जामे तारीफ जो है वो ये है कि ज़बान राबते या बातचीत का जरिया है, अपने ख्यालात, जज्बात व एहसासात दूसरों तक पहुंचाने का निज़ाम है और जो अस्वात, अल्फाज और ग्रामर पर मुश्तमिल होता है। अस्वात, अल्फाज और कवायद यानी ग्रामर पर मुश्तमिल होता है। यानी ज़बान में तीन चीज़ें आती हैं, अस्वात, अल्फाज और ग्रामर। अब सबसे पहले अस्वात का मतलब है ये जो ए बी सी डी हैं, ये जो अलिफ बे पे हैं, यानी ये जो हरूफ तहजी हैं या जिनको अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है, ये जो हैं ये बुनियादी तौर पे अस्वात हैं, यानी ये मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। और इन्हीं आवाज़ों से, इन्हीं अस्वात से क्या बनता है, अल्फाज बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं और फिर वो अल्फाज जब मिलते हैं तो जुमले बनते हैं और जुमले कवायद या ग्रामर के उसूलों के तहत बनते हैं। तो ज़बान जो होती है वो अस्वात पर मुश्तमिल होती है, अल्फाज पर मुश्तमिल होती है और ग्रामर पर मुश्तमिल होती है। तो ये तो ज़बान हो गई। अब हर ज़बान में कई लहजे होते हैं और हर ज़बान में कई बोलियाँ होती हैं, तो हम इसके बाद लहजे और बोली की तरफ आते हैं। और लहजे और बोली में से हम बोली जो है तो उस पर पहले बात करते हैं। ज़बान को इंग्लिश में लैंग्वेज कहा जाता है, बोली को इंग्लिश में डायलेक्ट कहा जाता है और लहजे को इंग्लिश में एक्सेंट कहा जाता है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बोली पर या डायलेक्ट पे करते हैं, यानी किसी ज़बान के अंदर जो मुख्तलिफ बोलियाँ होती हैं। तो बोली या डायलेक्ट की जो तारीफ है वो आप देखें कि किसी ज़बान की मुख्तलिफ अनवा यानी मुख्तलिफ वैरायटीज, मुख्तलिफ वर्जन किसी ज़बान के, जिनमें अल्फाज और तलफ्फुज का फ़र्क या इख्तलाफ पाया जाता है। यानी एक ज़बान के मुख्तलिफ वर्जन हैं, मुख्तलिफ वैरायटीज हैं, मुख्तलिफ अनवा हैं, मुख्तलिफ अक्साम हैं और उनमें अगर अल्फाज और तलफ्फुज का फ़र्क हो या इख्तलाफ हो तो हम कहेंगे कि ये जो हैं ये एक ही ज़बान की मुख्तलिफ बोलियाँ हैं। अब इसको हम एक मिसाल के जरिए समझते हैं कि हमें अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए कि ये जो इख्तलाफ है या फर्क है ये क्या है। देखें, फर्ज करें किसी जगह दो आदमी बातें कर रहे हैं और वो बातें एक ही जबान में कर रहे हैं, यानी एक सिंधी और एक पंजाबी नहीं बोल रहा, एक अंग्रेजी और एक फ्रांसीसी नहीं बोल रहा, बल्कि दोनों एक ही जबान बोल रहे हैं, दोनों की जबान जो है वो एक है, लेकिन किसी किसी लफ्ज का तलफ्फुज़ जो है वो मुख्तलिफ है और कुछ अल्फाज मुख्तलिफ हैं उनके एक दूसरे से। यानी वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, लेकिन जब वो गुफ्तगू करते हैं तो कुछ अल्फाज जो है उनके एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और कुछ अल्फाज का तलफ्फुज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो हम कहेंगे कि ये दो आदमी जो बोल रहे हैं ये एक ही जबान की दो मुख्तलिफ बोलियां बोल रहे हैं। यानी बोली का मतलब ये होता है कि लफ्जों में फर्क हो और लफ्जों के तलफ्फुज़ में फर्क हो। अब इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि तमाम लफ्जों में फर्क होगा या तमाम लफ्जों के तलफ्फुज़ में फर्क होगा। अगर तमाम लफ्जों में फर्क होगा फिर तो ज़बान ही मुख्तलिफ हो जाएगी। यानी अगर एक आदमी जो है पश्तो बोल रहा है और एक पंजाबी बोल रहा है तो पश्तो पंजाबी के तो सारे अल्फाज ही मुख्तलिफ हैं, ऐसी बात नहीं है। यानी चंद एक लफ्ज़ों में अगर फर्क होगा, चंद एक लफ्ज़ अगर एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, चंद एक लफ्ज़ों के तलफ्फुज़ में फर्क होगा, बाकी ज़बान एक ही होगी, तो उसे हम कहेंगे कि ये एक ज़बान की मुख्तलिफ बोलियाँ हैं। अब ये बोलियां जो होती हैं ये मुख्तलिफ वर्जन होते हैं एक ज़बान के। इन्हीं बोलियों में से एक बोली जो होती है उसको स्टैंडर्ड बोली या मियारी बोली कहा जाता है या स्टैंडर्ड डायलेक्ट कहा जाता है। ये स्टैंडर्ड डायलेक्ट किसी ज़बान की वो होती है कि जिसमें अदब तख्लीक होता है, जिसमें किताबें लिखी जाती हैं, जो मीडिया में इस्तेमाल होती है,
उस किस्म की जो जबान होती है तो उसको स्टैंडर्ड डायलैक्ट कहा जाता है, और बाकी जो डायलैक्ट होती हैं तो उनको सिर्फ डायलैक्ट्स कहा जाता है। और इन्हीं डायलैक्ट्स में से और बोलियों में से कोई बोली फिर तरक्की करके अलहदा से एक मुस्तकिल जबान की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। तो ये बोली का और उसका फर्क होता है जबान का। और फिर लहजा आ जाता है इसके बाद, एक्सेंट यानी लहजा। तो अब लहजे पर हम बात करते हैं। लहजे की तारीफ यह है कि किसी जबान की मुख्तलिफ अनवा जिनमें तलफ्फुज़ का फर्क या खिलाफ होता है। यानी वहां हमने ये देखा कि लफ्जों का फर्क और तलफ्फुज़ का फर्क, अगर जबान की मुख्तलिफ वैराइटीज में लफ्जों का और तलफ्फुज़ का फर्क होगा तो इसे क्या कहेंगे, इसे बोली कहेंगे। और अगर जबान की मुख्तलिफ वैराइटीज में लफ्जों का फर्क नहीं होगा लेकिन तलफ्फुज़ का यानी लफ्जों की अदायगी का फर्क होगा तो उसे हम लहजे का फर्क कहेंगे। यानी हम कहेंगे कि ये लहजा जो है उस लहजे से मुख्तलिफ है, जबान एक है लेकिन ये लहजा और वो लहजा जो है ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो बोली लफ्जों के खिलाफ से वजूद में आती है और लहजा जो है वो तलफ्फुज़ के खिलाफ से या प्रोनाउंसिएशन के खिलाफ से वजूद में आता है। लहजी का इसका जो है तो बोली का या डायलॉग का ताल्लुक जो है वो वोकैबुलरी या अल्फाज के साथ है, और लहजे का ताल्लुक जो है वो प्रोनाउंसिएशन या तलफ्फुज़ के साथ है। और ये बोलियों में बड़े इख्तलाफात भी होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक जबान की कोई बोली जो दो जबानें होती हैं और उसको एक जबान वाले जो है एक जबान को दूसरी जबान की बोली कहते हैं और दूसरे लोग जो है उसे एक मुस्तक़िल जबान कहते हैं, तो ये भी एक मसला होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इसकी जो बड़ी मिसाल है वो पंजाबी और सराइकी की है। अब पंजाबी बोलने वाले जो है वो सराइकी जबान को पंजाबी का लहजा कहते हैं और सराइकी बोलने वाले जो है वो सराइकी को अलहदा से एक जबान कहते हैं। तो इस तरह के वो मतलब यह है कि मसाइल भी पैदा होते हैं कि एक बोली जो होती है वो बोली बोलने वाले बाद औकात ये क्लेम करते हैं, ये दावा करते हैं कि हमारी जबान जो है वो एक अलहदा जबान है, और दूसरी जबान बोलने वाले ये दावा करते हैं, ये क्लेम करते हैं कि ये हमारी जबान की एक बोली है या हमारी जबान का एक लहजा है। तो आज की वीडियो में हमने जबान बोली और लहजे पर बात की। अल्लाह हाफिज़।